ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक के बाद एक ट्विस्ट आते जा रहे हैं। सबसे पहला ट्विस्ट तब आया जब अभिनव शर्मा की मौत हो गई और इसका सारा इल्जाम अभिमन्यु पर आ गया। फिर नया प्रोमो आया और दिखाया गया कि आने वाले दिनों में अक्षरा कोर्ट में जाकर अभिमन्यु के लिए लड़ेगी। वहीं अब सोशल मीडिया पर मूव ऑन अभिमन्यु बिरला के ट्रेंड के बाद यह दावा किया जा रहा है कि अभिमन्यु का किरदार निभाने वाले अभिनेता हर्षद चोपड़ा शो छोड़ने वाले हैं। आइए जानते हैं इस वायरल खबर पर शो से जुड़े एक सूत्र ने क्या कहा। ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े एक सूत्र ने फिल्मी बीट को दिए एक इंटरव्यू में कहा, नहीं ये सच नहीं है, ये एक अफवाह है। आखिर कोई भी एक्टर ऐसे हिट शो को बीच में ही छोड़कर क्यों जाएगा, दर्शक कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। वहीं मेकर्स ने अलग ही प्लानिंग कर रखी है, आने वाले एपिसोड में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं और इस अपकमिंग ट्रैक को दर्शक काफी पसंद करेंगे। सामने आए प्रोमो में आने वाले एक ट्विस्ट की झलक दिखाई गई है। प्रोमो में दिखाया गया है कि अक्षरा कोर्ट में अभिमन्यु के खिलाफ गवाही देने से मना कर देगी। वह जज को बताएगी कि वह अब अभिमन्यु बिरला को कोर्ट में डिफेंड करेगी क्योंकि वह उनकी नई लॉयर हैं। यह बात सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।